अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। जी कैसे में हमारी फौज दुनिया की नंबर वन फौज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज हासिल है कि हमने इसराइल के साथ भी लड़ाई लड़ी हुई है। ना सिर्फ लड़ाई लड़ी है बल्कि जंग जीती हुई है और इसराइल का एक जंगी तैयारा हमारे कमांडर ने तबाह किया है और इंडिया पर तो हमारी धाक बैठी हुई है और कस्बा हिंद एक दिन होना ही होना है। अब इन वाकयात को हमारे निसाब में शामिल होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बच्चे को पता हो और मीडिया को ये बातें बतानी चाहिए। हमारे गुमनाम हीरोज के कारनामे मीडिया को बताने चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चल सके। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बच्चों को दिखाएं, दोस्तों को दिखाएं ताकि उन्हें हमारे असली हीरोज के बारे में पता चल सके। अब ये एजाज हमारे एयर कमांडर अब्दुल सतार अलवी को हासिल हुआ। पाकिस्तानी एयर चीफ को इसराइली पायलट की वर्दी 2018 में उन्होंने पेश की, जिसका मेराज तैयारा उन्होंने 1973 की शाम इसराइल जंग में मार गिराया था। वर्दी म्यूजियम में अवामी दिलचस्पी के लिए रख दी गई है। नेतन्याहू को पाकिस्तान एयरफोर्स का खामोश पैगाम है। इसराइल के सर पर अव्वल से सुपर पावर अमेरिका का हाथ है और इसके तकबर का कोई ठिकाना नहीं। अलबत्ता ये एजाज दुनिया भर में सिर्फ एक पाकिस्तानी पायलट को नसीब हुआ। केस ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। ये मायानाज सपूत पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक एयर कमांडर सरदार उलवी हैं, जो 1973 की अरब इसराइल जंग के हीरो हैं। इस जंग में उन्होंने शामी एयरफोर्स का MiG-21 जंगी तैयारा उड़ाते हुए इसराइली एयरफोर्स का मेराज तैयारा मार गिराया था। वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाले दुनिया के वाहिद पायलट हैं। इस अजीम शान कारनामे पर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सितारा चूरत और हुकूमत शाम की जानब से वसाम फार्स और वसाम शुजात के तमगे दिए गए। PAF म्यूजियम कराची में एयर कमांडर सरदार अलवी को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक खसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में उन्होंने हलाक होने वाले इसराइली पायलट कैप्टन की वर्दी PAF म्यूजियम को बतौर तोहफा पेश की। इस मौका पर एयर चीफ मार्शल सोहेल अमान ने एयर कमांडर सरदार अलवी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इनका अजीम शान कारनामा सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ही नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए सरमाया इफ्तखार है। उन्होंने इसराइली पायलट के फ्लाइंग सूट को एक जंगी ट्रॉफी और म्यूजियम के लिए शानदार इजाफा करार दिया।